दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं रामजी प्रसाद। आज मैं बात करूंगा जो JSSC के द्वारा डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें जो है हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले कि ये परीक्षा कौन दे सकते हैं, परीक्षा में कौन शामिल हो सकते हैं और सीट कितने हैं और इस परीक्षा के माध्यम से आप किस विभाग में नौकरी पाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आज जो है ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि JSSC ने जो है आज अपनी फॉर्म जारी किया है। इसमें देखिए क्या है, हम लोग ये समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो आपका ये जो ब्रोशर है, इस ब्रोशर में आप देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि ये जो है, ये जो फॉर्म आए हैं, बहुत सारे लोगों का ये बात है कि ये फॉर्म किस विभाग के द्वारा आया है और ये कितने सीटों के लिए आया है। तो मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो है, जो भी सीट आपको दिख रहा है यहाँ पर, कनीय अभियंता का, जिसमें विद्युत के लिए है, असैनिक के लिए है और यांत्रिक के लिए है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो नगर विकास विभाग के लिए आया है। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आप देखिए यहाँ पर जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए आया है। बहुत लोगों को ये फॉर्म देख के निराशा हुई और निराशा होके उन लोगों को लगा कि इतना कम सीट क्यों आखिर आया है। इससे घबराना नहीं है क्योंकि ये नगर विकास की सिर्फ वैकेंसी है। बाकी जो विभाग्स हैं, जो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि पेयजल हो गया, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो गया या बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो गया, उनका अभी फॉर्म नहीं आया है। लेकिन ये जो आपकी वैकेंसी है नगर विकास के द्वारा, ये झारखंड में पहली बार ये नियुक्ति होने जा रही है, क्योंकि इसके पहले तक झारखंड में जो है नगर विकास के लिए कोई सीट जो है वो नहीं था। इसको 2017 में सृजित किया गया है और 2017 में सृजन के बाद इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब इनका एग्जाम के माध्यम से जो है नियुक्ति की जा रही है, जिसमें आप देखिए कि कनीय अभियंता विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल जो है यहाँ पर 46 सीट दिखाया गया है, जिसमें हर कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। उसी तरह सिविल के लिए आप देखिए 188 सीट है, और फिर देखिए आप मैकेनिकल के लिए जो है 51 सीट है। तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है नगर विकास विभाग की ही वैकेंसी है। अब इसमें देखिए आपका एज क्या होना चाहिए, है ना। अब ये सब जो है ये सैलरी बेस्ड है, सैलरी कितना मिलेगा, क्या होगा, वो सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पर, है ना। अब ये सब चीजें आपको बाद में देखना चाहिए। अब देखिए कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या है कि डिप्लोमा पास है, डिप्लोमा पास होना जरूरी है, ठीक है, न्यूनतम है ये। अगर किन्हीं ने डिप्लोमा या उससे ज्यादा की योग्यता ले रखी है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंजीनियरिंग में या फिर आपने मास्टर कर रखा है इंजीनियरिंग में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको भर नहीं सकते। और जिन बच्चों का रिजल्ट अभी आने वाला है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, किंतु ये उसमें जो है सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का है उस डेट तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। इसके अलावा आपको 10th और 12th, चूंकि ये डिप्लोमा लेवल है इसलिए यहाँ 12th का बात नहीं है, आपको मैट्रिक जो है आप झारखंड के ही किसी विद्यालय से किए हुए होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन उनके लिए नहीं है जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं। जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए ये कंडीशन नहीं है, लेकिन जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं, अनारक्षित श्रेणी में आते हैं, उनके लिए ये कंडीशन जरूरी है कि उनका मैट्रिक जो है
यहीं से होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, इसमें मिनिमम जो एज रखा गया है ना, न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है, ये उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है, और ये 18 वर्ष जो है आपका 1/8/2021 को पूरा हो जाना चाहिए। ये जो 18 वर्ष है ये आपका 1/8/2021 को पूरा होना चाहिए, और किन्हीं का 35 इयर्स मैक्सिमम एज देखिए क्या है, जो आपका मैक्सिमम एज है वो आपका है 35 इयर्स जनरल के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैक्सिमम 35 इयर्स है, और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं, अनुसूचित मतलब ओबीसी से हैं 1 और 2 में, तो 37 इयर्स तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो महिला है या ईडब्ल्यूएससी में है या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए ये क्या है 38 वर्ष रखा गया है, और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए जो एज जो है वो 40 वर्ष रखा गया है। तो किन्हीं का अगर 1/8/2021 तक अगर उनका एज 35 साल है या उससे कम है, तो जनरल वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अनारक्षित श्रेणी के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यानी कि 1 अगस्त 2021 जो है मैक्सिमम एज कटअप रखा गया है, ठीक है, और मिनिमम एज कटअप जो है वो भी 1/8/2021 का ही रखा गया है। तो अगर किन्हीं ने डिप्लोमा कर लिया है लेकिन उनका एज 1/8/2021 को 18 वर्ष नहीं हो रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा और सारे कंडीशंस हैं, है ना, जो क्या पढ़ सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आपके पास होगा ही, तो ये सारी कंडीशंस है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिलेबस जो है इसमें 2 प्रकार से होंगे, जिसमें आपको 2 पेपर पूछे जाएंगे। पेपर वन जो होगा ये 120 क्वेश्चन इसमें होंगे, और ये 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो होगा जनरल इंजीनियरिंग का होगा, और जनरल नॉलेज के लिए जो है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जनरल इंजीनियरिंग के लिए जो है 80 प्रश्न होंगे, है ना, जनरल इंजीनियरिंग के लिए 80 प्रश्न होंगे, और जो आपका जनरल नॉलेज है उसके लिए जो है 40 प्रश्न होगा, इनके लिए समय आपको 2 घंटा मिलेगा। उसी प्रकार से आप पेपर 2 जो देंगे वो भी आपका क्या होगा 120 क्वेश्चन का होगा, और ये जो 120 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे के लिए, इसमें सिर्फ आपके ब्रांच पेपर पूछे जाएंगे। अगर आप विद्युत से इलेक्ट्रिकल से हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप सिविल के हैं तो सिर्फ सिविल से पूछे जाएंगे, अगर आप मैकेनिकल के हैं तो सिर्फ मैकेनिकल से पूछे जाएंगे। तो ये है। और जो परीक्षा है इसमें, परीक्षा में क्या चेंज लिया गया है, परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। और अगर इसको अलग अलग सिटिंग में ले जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का भी उपयोग किया जाएगा, है ना। ये जो परीक्षा है सीबीटी बेस्ड होगा, और अगर आपका अलग अलग सिटिंग में एग्जाम होता है तो फिर क्या होगा कि जो है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाएगा। अब ये फॉर्म आप कब से भरना शुरू कर सकते हैं, ये फॉर्म आप 23/1/2022 से भरना शुरू कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म ओपनिंग डेट है, और ये फॉर्म भरने की आखिरी तिथि जो होगी वो मिडनाइट ऑफ 22/2/2022 होगा। और परीक्षा शुल्क जो है वो आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है, जो कि 100 रुपीज होता है और 50 रुपीज होता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम शुल्क दे के आप परीक्षा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस जैसा कि मैंने पहले ही हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सेम सिलेबस ही रखा गया है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं लिया गया है, चेंज नहीं किया गया है, है ना। तो और एक चीज और जो महत्वपूर्ण बात है उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है, 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है, और एससी एसटी या फिर अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो 32% मार्क्स लाने आपके अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, है ना, ओबीसी वन में आते हैं या बीसी वन में आते हैं तो आप 34% ला सकते हैं, आपको लाना अनिवार्य होगा, और 2 में आते हैं तो 36.5% आपको लाना जरूरी है, जबकि आदिम जनजाति और या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, और आदिम जनजाति के लिए ये 30% मार्क्स निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब कि अगर
118 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है सिविल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, उनमें अगर उनको कम बच्चे मिलते हैं, यानी कहने का मतलब 40% से, या फिर जो भी ये यहाँ पर आपका जो ये दिया गया है, जो लिमिटेशन दिया गया है, जो कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन से कम मार्क्स अगर कोई बच्चा लाता है और सीट पूरी तरह से नहीं भरता है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब इसमें सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम जो है ये जो न्यूनतम आपको जो यहाँ पर है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसको आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस परीक्षा में इलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है ना। तभी आप इस परीक्षा के लिए आप इलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा आप फॉर्म भरते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे जनरल वर्ग जो मतलब अनारक्षित श्रेणी के हैं उनके लिए कास्ट की कोई जरूरत नहीं है, और जो जनरल से नहीं है, जो रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए कास्ट का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसमें मुख्य चीजें क्या क्या है, मुख्य चीजें जो बदलाव क्या क्या है। इसके पहले जेई का एग्जाम कभी भी सीबीटी बेस्ड नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था, यह फर्स्ट टाइम सीबीटी बेस्ड होगा। और दूसरा जो इसमें है एज ऑफ कट ऑफ, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी बात कि जो ये सारे विभाग का फॉर्म अभी नहीं आया है, वो आएगा, जिसकी सूचना हम लगातार आपको अपने चैनल से देते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।